हेलो गाइस गाइस आप सभी लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपेरिमेंट इंसान में बहुत बहुत स्वागत है। अगर गाइस आप लोग पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज यार चैनल के सामने वाली लाल वाली बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो गाइस जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पर आप लोग को बहुत ही शानदार और यूनिक सा कंटेंट देखने के लिए मिलता है। कैसे हैं आप सभी लोग, यहां तक उम्मीद करता हूं अच्छा होंगे और अच्छे ही रहेगा। तो गाइस आप लोग जानते ही होंगे इस वीडियो में क्या होने वाला है, यानी कि आप लोग थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे। तो गाइस ठीक ही गाइस हम लोग वैसा ही करेंगे। हम लोग ले लेंगे सबसे पहले एक हैंड ग्रेनेड। तो गाइस आप लोग जानते हैं कि जो हैंड ग्रेनेड होता है उसमें जो धमाका होता है वो किसकी वजह से होता है, क्या आपको पता है? अगर नहीं पता तो गाइस मैं बताता हूँ वो धमाका किसकी वजह से होता है। गाइस हैंड ग्रेनेड में जो धमाका होता है वह होता है अमोनियम नाइट्रो फ्यूल के साथ जो धमाका होता है, ये बम ब्लास्ट होता है। अगर आप लोग सेफ्टी पिन को खींचेंगे तो जो धमाका होगा ना वो अमोनियम नाइट्रो फ्यूल की वजह से ही धमाका होता है, यानी जब तक उसमें अमोनियम नाइट्रो फ्यूल नहीं होता तब तक वो ऐसा खतरनाक धमाका कर ही नहीं पाएगा। तो गाइस हम लोग करेंगे कि हम लोग जो हैंड ग्रेनेड होता है उसको हाइड्रोलिक प्रेस पर उसके बीच में रखेंगे, यानी उसके बीच में रखेंगे और देखेंगे क्या होता है जब हाइड्रोलिक प्रेस हैंड ग्रेनेड को दबाता है। तो गाइस बने रहिए वीडियो में, चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, रुको जरा सबर करो। जैसा गाइस आपने देखा कि जब मैंने हैंड ग्रेनेड को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे यानी बीच में रखा उसमें से कोई धमाका नहीं हुआ, क्योंकि गाइस उसमें का जो फ्यूल होता है उससे को मैंने पहले से ही निकाल कर उसको डीएक्टिवेट कर दिया था। अगर गाइस इसकी इसी काम को मैं एक्टिवेट किया होता, यानी कि जो ग्रेनेड होता अगर वह एक्टिव अवस्था होता तो पूरा ब्लास्ट होता और पूरा जो हाइड्रोलिक प्रेस से खत्म हो जाता, तो इसीलिए मैंने उसको डीएक्टिवेट कर दिया था। तो गाइस अगर आपको यह वीडियो ज़्यादा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब तो करके ही जाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अब हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में और किसी नए एक्सपेरिमेंट के साथ।